खबर टोंक से है, जहां लॉकडाउन की वजह से केरल में फंसे देवली के 23 विद्यार्थियों की खबर A1 टीवी पर प्रसारित हुई थी, जिसके बाद इन सभी विद्यार्थियों की घर वापसी हुई है। इस दौरान देवली पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन छात्र छात्राओं का स्वागत किया और इनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई। साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम ने विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग भी की। आपको बता दें कि इन विद्यार्थियों को एहतियात के तौर पर छान के नवोदय विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता मनीष बागड़ी ने छात्रा कृतिका हवा और उनके पिता विष्णु हवा से की खास बातचीत। नवोदय विद्यालय के 23 छात्र छात्राएं गत दिनों लॉकडाउन के चलते केरल के एक विद्यालय में फंस गए। इस दौरान पेरेंट्स की गुहार पर विधायक हरिश्चंद्र मीणा ने मामले की गंभीरता देखते हुए श्री अशोक गहलोत तक बात कर केरल में फंसे सभी बच्चों को वापसी करने की मांग की। इस पर A1 टीवी ने गत 28 अप्रैल को प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी। इस दौरान राज्य सरकार ने एक वोल्वो बस केरल भेजकर 23 छात्र छात्राओं की वापसी की है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये केरल में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए 23 छात्र छात्राएं देवली पहुंच गए हैं, जहां इनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। इस समय हमारे साथ हैं देवली की छात्रा कृतिका हवा व उसके परिजन, जिनसे हम बात करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान उनके क्या और किस तरह के अनुभव रहे। ये बताइए, काफी लंबे समय के बाद अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? इतने भी बार अगर वैसे ज्यादा बुरा तो फील नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और 6 महीने के बाद हम पेरेंट्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल उनसे दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनके पास मैं भी नहीं जाना चाहती और उन्हें भी नहीं आना। हमारे साथ कृतिका के पेरेंट्स भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए, लंबे समय के बाद अपनी बेटी को देख रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत पहले सबसे पहले तो मैं मनीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से ये काम हुआ। और फिर विधायक साहब का कृषि विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके प्रयास से जल्दी बच्ची घर आ गए। हमारी बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केरल से लौटे हुए 23 छात्र छात्राओं के चेहरे खिले हुए हैं, अपने पेरेंट्सों से मिलके बड़ा भावुक क्षण हो गया है। बच्ची और अपने परिजन देख के एक दूसरे के आंखों में आंसू छलक से गए हैं। कैमरा पर्सन शिवपाल के साथ मनीष बागड़ी, A1 टीवी के लिए देवली कमल।